वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स। तो अभी हम यहाँ पर चीज़ मारने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितनी सारी गंदगी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पास में तालाब है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर तालाब है, पीछे सारा तालाब है, और तालाब के किनारे यहाँ पर ठंडक महसूस होती है। और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है ऊपर का नज़ारा। यहाँ पर काफ़ी सारी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर हमको। यहाँ पर ये बैठने की जगह है जहाँ पर हम बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये मंदिर है शिव का, एंड एक मंदिर है और दूसरा मंदिर वहाँ पर है शिव का। और यहाँ पर हम बैठकर फिर से चीज़ मारेंगे, एंड जस्ट अभी खाने का टाइम भी हो गया है तो सीधा घर चलते हो और खाना खाते। मैंने खाना खा लिया है, एंड जस्ट खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर मेरे सुकून महसूस होने वाली जगह पर आया हूँ, जहाँ स्वर्ग की हवा आती है वैसी जगह यह है। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो में पिछले देखा होगा, मैं ये जगह का काफ़ी वीडियो में डालता हूँ क्योंकि ये जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अभी यहाँ पर मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए पीछे मेरा ट्रैक्टर जो खेत काम के लिए लेते हैं पापा, एंड वो है सामने ट्रॉली है, मशीन है, एंड यहाँ बड़े बड़े नीम के पेड़ भी है साथ में। और ये है पूरा स्वराज का ट्रैक्टर है हमारे पास। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, पर अब देख सकते हैं आप आसमान में काफ़ी ज़्यादा बारिश आने की संभावना बढ़ गई है, और बारिश आने ही वाली है, 100% आई। पीछे का नज़ारा काफ़ी सारे बादलों से पूरा आकाश ढक चुका है, एंड काले बादलों से पूरे का पूरा आकाश भर चुका है। एंड ये है हमारा सुकून महसूस होने वाली जगह जहाँ पर चंदन का पेड़ है, ये सामने दिख रहा है चंदन का पेड़ है, एंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, एलोवेरा भी है काफ़ी सारा है यहाँ पर। और फिलहाल हम बैठते हैं ट्रैक्टर में और मज़ा लेते हैं ट्रैक्टर में बैठने के। ट्रैक्टर में बैठने के बाद हमको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि हम ट्रैक्टर चलाने का बहुत मन कर रहा है पर आती नहीं है ट्रैक्टर, क्या करें। चारों तरफ पहले चुपके से देख लेते हैं, एंड बाद में ट्रैक्टर चलाने का ट्राई करते हैं। चलो देख लेते हैं पहले चारों तरफ। मैंने चारों तरफ देख लिया है और अब हम ट्रैक्टर चलाकर ट्राई करते हैं। तो ये है मेरा दोस्त जो मोबाइल से शूट करेगा वीडियो, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ कैसे चलाता वो शूट करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चाबी ढूंढते हैं सबसे पहले, चाबी कहाँ पर रखी हुई है। ज़्यादातर मेरे पापा यहाँ पर ही चाबी रखते हैं। हाँ इसमें है चाबी, चाबी है। तो चाबी मिल चुकी है, तो ट्रैक्टर करते हैं स्टार्ट। ट्रैक्टर पर अभी कोई आ नहीं रहा, चारों तरफ देख ले, कोई भी नहीं आ रहा। कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अबे कैसे करते इसको स्टार्ट, तेरे को थोड़ा थोड़ा आता है ट्रैक्टर स्टार्ट करना? नहीं आता, इसको भी नहीं आता, कैमरा मैन को भी। ये सब कैसे करे यार, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन। अबे दोनों न्यूटन हो गए, अभी तो 100% होगा, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे जब भी मैं यहाँ बैठता था तब कहते थे कि दोनों गियर न्यूटन होने चाहिए तभी ट्रैक्टर स्टार्ट करते, जो नए जनरेशन के है वो। तो स्टार्ट करते ट्रैक्टर धीरे धीरे, चुपके से स्टार्ट करते। यस 100% हमने पहली बार ट्रैक्टर चलाया है, फिर भी आसानी से रिवर्स कर चुके हैं क्योंकि गाड़ी चलानी आती है। इसीलिए ये सीक्रेट बात आपको नहीं पता थी कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, इसीलिए ये ट्रैक्टर मुझे आ गया। मैं अभी ट्रॉली के साथ नहीं आता ट्रैक्टर चलाना, सिर्फ अकेला ट्रैक्टर ही आता है चलाना। तो अभी आगे की तरफ ले जाते कैसा फील होता है अंदर से।
जैसा किया था फिर से वैसा ही वैसा करता हूँ, दोनों गियर को न्यूटन कर देता हूँ सबसे पहले, एंड न्यूटन करने के बाद स्टार्ट करता हूँ। जल्द से जल्द चाबी निकाल देते, निकल गई। अभी इसको छुटके से अंदर रख देते हैं चाबी को, ताकि पता ना चले अभी हमको किसी ने भी नहीं देखा ट्रैक्टर चलाते हुए, और काफ़ी बढ़िया फील हुआ है। तो अब हर रोज़ ऐसी ट्राई करेंगे और सीख जाएंगे धीरे धीरे ट्रैक्टर भी। इसके गियर है बहुत हार्ड है जो काफ़ी, और ये क्लच भी काफ़ी हार्ड है, तो धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाना के भी सीख जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे हर रोज़ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरी देसी ब्लॉग्स चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके ऑलराइट, बाय।